ओम शांति आज की तारीख है पच्चीस आठ चौबीस और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली और आज फिर सभी को यह भी सिमृति में आता होगा कि आज के दिन ही हमारी प्यारी प्यारी इस संस्था की क्या लेकिन सारे विश्व की जगत अम्बा माँ मणि दादी जी की पुण्य तिथि भी है पुण्य स्मृति दिवस भी है तो आज हम उनको स्नेहांजलि देते हुए ज्ञान मुरली सुनेंगे तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सुख्यम लोक से आए हैं तो सब सबसे दूर से कौन आया है कौन दूरदेशी है डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है नहीं सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है बाप दादा को इस बार डबल विदेशी व वा भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है कौन सी बात पर नाज है बोलो विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं ड्रामा ने खेल भी दिखाया लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं अच्छा अब मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के द्वारा याद प्यार सुनेंगे तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी को सदा रहम दिल बन दाता बन हर आत्मा को चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंचली देने वाले सताश देने वाले ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते वरदान शिव सतगुरु पिता का उमंग और उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाली आलस्य व अल्बेलेपन से मुक्त भव मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि चाहे नए हो चाहे पुराने हो ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग और उत्साह बढ़ाते रहते हैं स्लोगन है समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना अच्छा ओम शांति